हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं CRSU कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी का थर्ड सेमेस्टर सिलेबस। बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे स्टूडेंट, बार बार मैं कमेंट देख रही थी, लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके जो बुक कौन सी है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, और पुराने बुक्स जो आपके पास थी, मतलब जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक थी, वहाँ पर भी मैं बताऊँगी आपको कि कौन सी बुक से आप ये पूरा सिलेबस कर सकते हैं। मतलब जो स्टूडेंट नई बुक नहीं लेना चाहता, वो भी पुराने बुक से एडजस्ट कर सकता है, वहाँ से पढ़ सकता है। चलिए, ये हमारी लास्ट क्लास होगी जिसमें इंट्रोडक्टरी टाइप की वीडियोस आपको मिल रही थी अभी लास्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक से, मंडे से, हम अपनी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जो MSc और BSc दोनों की चलती रहेंगी पूरा वीक, है ना। चलिए जी, हम डिस्कस करते हैं। बुक नेम आपके पास है डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट यहाँ पे इसलिए दिया गया है क्योंकि कुछ एक टॉपिक आपको अभी रीड करने हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, और कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट सेमेस्टर्स में पढ़ने हैं। देखते हैं आगे कौन से सेमेस्टर में मिलते हैं, ओके। और यहाँ पर जो आपके पास टॉपिक्स रहने वाले हैं, आपने अगर पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा हो तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक बुक थी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाई जाती थी जो आपका ऑल सिलेबस था, राइट। और एक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये थर्ड सेमेस्टर की बुक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो रीअपीयर स्टूडेंट है उनको पता भी होगा, उन्होंने थर्ड सेमेस्टर में बुक की थी एडवांस कैलकुलस और स्टैटिक्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास ये बुक्स है, इन्हीं बुक्स का जो सिलेबस है वो कंबाइंड कर दिया गया है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट बुक दे दी गई है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के 4 चैप्टर्स लिए गए हैं। ऑलराइट, अब देख लेते हैं यहाँ पर जिसके पास भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड सेमेस्टर की ओल्ड बुक मिलती है वो आप बिल्कुल ले सकते हो, उसी का कंटेंट नई बुक में ऐड कर दिया जाएगा। जीवन संस पब्लिकेशन की बुक ही आपको मिलेंगी, ये भी वही पब्लिकेशन की बुक है, और इन्हीं बुक्स में से सिर्फ इन चैप्टर्स को उठा करके एक बुक में ऐड कर दिया जाएगा जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर की बुक होगी। तो मतलब ये है कि जो स्टूडेंट पुराने बुक से पढ़ना चाहता है इन दोनों बुक्स का यूज़ कर सकता है, अगर उसको अवेलेबल होती है पुराने बुक्स और वो चाहता है वहाँ से पढ़ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, ये आपको सारे का सारा जो सिलेबस देख रहे हो 8 के 8 चैप्टर। नेक्स्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ऑर्डिनरी साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा का पूरा सिलेबस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। क्लियर, ये पूरा सिलेबस आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। यहाँ पर जो आप ये 4 चैप्टर्स देख रहे हैं, 9th, 10th, 11th, 12th, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ये आपकी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बुक के जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई जाती थी उसके चैप्टर्स, ठीक है, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर। तो इन चैप्टर्स को मिला करके आपका सिलेबस तैयार किया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, ये आपको कंप्लीट करना है। ऑलराइट, अब बात आती है कि हमें कौन से चैप्टर्स यूनिट वाइज दिए गए हैं, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको हम स्किप कर सकते हैं, कौन से ऐसे चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ा है तो आप PD में फंसोगे, और आगे जाकर के जब डिफरेंशियल इक्वेशन 2 आएगा, पार्ट 2 आएगा, वहाँ पर कंप्लीट बेसिक की नीड होगी, जो कि OD प्लस PD, ये जो आपको चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं OD और PD के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करेंगे आपका बेसिक का भी, इसलिए एक बार के लिए, क्योंकि एक ही बुक है सेमेस्टर में। सो आई सजेस्ट यू, प्लीज डोंट स्किप एनी चैप्टर, डू कंप्लीट सिलेबस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं यूनिट वाइज कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करा गया है सिलेबस, कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स आपको दिए गए हैं। तो यूनिट फर्स्ट आपकी कवर होगी फर्स्ट 3 चैप्टर से, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यूनिट सेकंड आपकी कवर होती है 4th, 5th एंड 6th चैप्टर से। यूनिट थर्ड कवर होगी 7th, 8th, 9th और 10th, ये दोनों चैप्टर इंक्लूड है यूनिट थर्ड में, और यहाँ से ये दोनों चैप्टर्स इंक्लूड है, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इन चारों चैप्टर से आपकी यूनिट थर्ड कवर होती है। अब बात आती है कि अगर आपने ये चैप्टर नहीं किए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज थर्ड जो यूनिट में ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, और अगर 9th, 10th नहीं किया
तो आपकी लास्ट यूनिट के लिए इश्यू हो सकता है भाई। यहाँ से तो आपकी पीडीई स्टार्ट होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होती है। आपको समझना है यहाँ पे फॉर्मेशन का मतलब, आपको जानना है बेसिक पार्ट कि क्या होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या क्या इसकी टाइप्स होती है, कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो कि बेसिक हम बोल सकते हैं वो आप 9 चैप्टर से पढ़ोगे, राइट। 10 चैप्टर में इसके सॉल्यूशंस दिए गए हैं, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, तो इनका पता होना बहुत ज़रूरी है, राइट, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंड लास्ट जो यूनिट है, लास्ट यूनिट में आपको दिया गया है 11th और 12th चैप्टर, ओके। ये यूनिट नंबर 4th में आएगा, ये यूनिट 3rd में है विद इन चैप्टर्स के साथ, ये भी किस में है, यूनिट 3rd में दिया गया है, ओके। यहाँ पर ये गिवन है यूनिट 2nd में, राइट, एंड ये गिवन है यूनिट 1st में। ये आपका रहेगा सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिलेबस को कम मत मान के चलिएगा, 1.5 बुक यहाँ पे कंबाइन कर दी गई है, कंप्लीट बुक ODE एंड हाफ इज PDE। तो यहाँ से आपको जो भी कंटेंट यहाँ पे शो हो रहा है ये कंप्लीट सिलेबस इन वन कोर्स आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, एंड अगर कोई आपकी क्यूरी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, नंबर्स आपको गिवन है वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। एंड हर एक बुक के जो एग्ज़ाम टाइम आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो नीड होती है वो आप इन कोर्सेज में फ्री कंटेंट में देख सकते हो। अभी आपका जो टाइम है वो है आपका सिलेबस करने का, बेसिक क्लियर करने का, एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के साथ साथ नॉलेज भी बूस्ट करने का। एग्ज़ाम तो क्लियर करना ही है, आपको अच्छे मार्क्स लेने ही हैं, इसके साथ साथ नॉलेज भी आपको बूस्ट करनी है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरे सिलेबस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं न्यू एरा मैथ्स मोबाइल एप्लीकेशन पर कोर्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।